मुंबई शहर या अन्य शहर और वहां की महानगर पालिका। यहां सबसे बड़ी समस्या है कचरा, नालों में, सड़कों पर और सभी जगहों पर। नरीमन पॉइंट मरीन ड्राइव मुंबई की कुदरती कला से सुशोभित जगहों में से एक, जहां पर हर तरह के लोग आते हैं तो जाहिर है कूड़ा कचरा तो होगा ही। इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मुंबई महानगर पालिका ने जगह जगह दो कूड़ेदान एक साथ लगाए। तो लोग कूड़ा कूड़ेदान में डालते तो हैं, पर सोचते नहीं कि दो कूड़ेदान एक साथ है तो उसकी वजह क्या है। मुंबई महानगर पालिका ने यह उपाय निकाला ताकि गीला सूखा कूड़ा अलग छाट के उसका उचित उपयोग किया जा सके। कुछ लोग कूड़ा कचरा नाले गड्ढों में डालते हैं। ना भी बोलो ना आप कचरा मत डालो तो डालने ही वाले और इधर सुधरने वाले नहीं। हमारी महानगर पालिका के कर्मचारी ही कूड़ा कचरा रास्तों में यहाँ वहाँ डालते नजर आ रहे हैं, पर यह उनकी गलती नहीं है, यह मेरी गलती है। हम सुधरेंगे तो स्थिति सुधरेगी। आज स्थिति ऐसी है कि जहाँ जहाँ डालो नजर बस कूड़े कचरे का है बसर, बस कूड़े कचरे का है। पूरे भारत में 16 करोड़ किलो कचरा रोजाना जमा होता है। क्या यह कचरा है? गीला कचरा वो कचरा होता है जो बारिश से भीगने पे गीला हो जाता है, वो कचरा। और सूखा कचरा जो चॉकलेट का रैपर कल ये फेंक दिया हो, रैपर इज सूखा कचरा। इंदौर में कैसा है कि उधर कचरे वाले खुद म्यूनसिपालिटी वाले ब्लैक कवर देते हैं, तो उसके अंदर कचरा देंगे तो ही लेंगे वो, नहीं तो ऐसा रोड पे डालने का रूल्स नहीं होगा। ऐसे नाले में वगैरह डालने से क्या होता है कि नाले सब ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये सब पानी वानी भरने का जो प्रॉब्लम है ये आप ही लोग की वजह से आता है। मुंबई में ही रोजाना 7000 मेट्रिक टन कचरा जमा हो जाता है, जिसमें से 0.75% सिर्फ प्लास्टिक होता है। ये संख्या काफ़ी कम है पर काफ़ी हानिकारक है। इससे निपटने के लिए त्यागराजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के डॉक्टर आर वासुदेवन इन्होंने एक प्रोजेक्ट निकाला है, जिसमें से हम कचरे में कूड़े में पड़ा हुआ प्लास्टिक इस्तेमाल करके डांबर के रोड बना सकते हैं, जिसकी आयु लगभग 10 साल होगी या उससे ज़्यादा। 10 साल तक उसके मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं। गीला कचरा यानी वो कचरा जो बचे हुए भाजी पाले से या फल के छिलके या पेपर्स बरहसा खाना जो प्राकृतिक रूप से सड़ सकता है। सूखा कचरा यानी वो जैसे कांच के टुकड़े, प्लास्टिक्स, चॉकलेट के रैपर्स, ये सब नहीं सड़ सकते, इन्हें हम कुदरत में नहीं डाल सकते डायरेक्टली, तो इनका अलग सा इम्प्लीमेंटेशन होता है। कचरे को सोसाइटी लेवल पर प्रोसेस करने के लिए मिस्टर प्रकाश दांडेकर इन्होंने कल्पतरु ATM बॉक्स के थ्रू एक अच्छी प्रोसेस इम्प्लीमेंट की है, जिसके थ्रू हम ये वेट कचरा उस ATM गोल्ड बॉक्स में डालकर उसमें वो कंपोस्ट होता है। और ये कंपोस्ट यानी खाद, बेसिकली खाद होती है जो हम झाड़ पेड़ पौधों को डाल सकते हैं। इस तरह अलग अलग कचरे को हम अलग अलग तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे एनवायरनमेंट साफ और संतुलित हो जाएगा। इसकी शुरुआत मुझसे हो। पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा।